आज तो कुछ ज्यादा ही एक्सरसाइज हो गई। बहुत ज्यादा हो गया भाई। अगर रोज एक्सरसाइज करेगा ना तो ऐसे ही मेंटेन रखेगा अपने आप को, नहीं तो फिर मेरी तरह हो जाएगा अगर बीच बीच में एक्सरसाइज करेगा। अच्छा और भाई आजकल भाभी क्यों नहीं आ रही जॉगिंग करने? कहीं पापा वापा बनने की तैयारी तो नहीं? अरे नहीं नहीं यार, अभी कहाँ। तेरी भाभी बोलती है मुझसे नहीं होती है तुम्हारी एक्सरसाइज, मैं तो सिर्फ खाऊंगी और घर का काम करूंगी, वही मेरे लिए एक्सरसाइज है। ये भी सही है, घर का काम सबसे थोड़ी ना होता है। बिल्कुल। अच्छा चल आज मैं तेरे को रामलाल से मिलाता हूँ। रामलाल? कौन रामलाल? अरे जब मैं इस शहर में आया था ना, पहला बंदा है जिसको मैं जानता था, बहुत अच्छा बंदा है वो। चल आज भाई तेरे रामलाल से भी मिल लेते हैं। और भाई रामलाल कैसे हो? अरे बढ़िया बढ़िया सूरज बाबू, हम बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? बढ़िया है। देखो आज अपने दोस्त को भी लेके आए हो सेविंग करने के लिए। अरे राम राम भैया। हाँ हाँ राम राम। ये यहाँ लेके आया तो मेरे को शेव के लिए? क्या दिक्कत हो गई? ना कोई साफ सफाई, ना कोई हाइजीन, ना कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, यहाँ से शेव कराएगा? मैं शेव करवाता हूँ जहाँ पे एसी हो, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लगे हो, और 200 रुपए लगते हैं वहाँ पे शेव के। अरे भाई 100-200 का बात नहीं है, ये 20 रुपए में तेरे को इतनी अच्छी शेव करके देगा ना तो भूल जाएगा ऐसी सैलून। अब बाबूजी वो सूरज बाबू इतना कह रहे हैं तो एक बार सेवा का मौका तो दीजिए, हम आपको निराश नहीं होने देंगे। चल हट, एक बार तो पूछ लिया है, दोबारा पूछियो भी मत, यहाँ से नहीं करवाऊंगा मैं शेव, इसकी करते फटाफट शेव। अच्छा ठीक है तू बैठ जा, मैं शेव करवा रहा हूँ, तू देख ले एक बार। और भाई रामलाल आज तो पूरे प्यार से लगा रहे हो। अरे सूरज बाबू इतने दिन बाद आए हो, आज तो आपको यही चीज तो तुम में अच्छी लगती है हमें, इतने प्यार से जो हमारी दाढ़ी सेव कर देते हो। कृपा है आपकी सूरज बाबू। लो बाबूजी आप हो गए चकाचक। वाह भाई रामलाल आज तो तूने मजा दिला दिया मुझे। ये लो तुम्हारे 20 रुपए। अरे बाबूजी अब चले अगर तुम्हारी रामधानी खत्म हो गई हो तो। हाँ 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 भाई चल रहे हैं, चल रहे हैं। हेलो ही एंड सी सलून। मैम मेरे हस्बैंड ना पैरालाइज्ड हैं, तो आप किसी को भेज सकते हैं क्या कटिंग और ट्रिमिंग कराने के लिए? सॉरी मैडम पेशेंट को डील नहीं करते हैं। हेलो मेरे हस्बैंड ना पैरालाइज्ड हैं, तो मुझे उनके लिए कटिंग और ट्रीटमेंट ट्रिमिंग के लिए किसी को बुलवाना था, तो कोई आ सकता है क्या? नहीं मैम ये सैलून है, यहाँ पे हम किसी पेशेंट को डील नहीं करते। प्लीज प्लीज। हेलो हेलो सूरज। हाँ भाभी इनकी तबीयत ना बहुत ज्यादा खराब है, इनको बहुत इरिटेशन हो रही है, और डॉक्टर ने भी बोला है कि इनकी शेविंग और ट्रिमिंग कराने के लिए और कोई भी सैलून वाले इनको इनके पास भेजने के लिए रेडी नहीं है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। भाभी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अभी पहुंच रहा हूं। नमस्ते भाभी। देखिए ना इनकी तबीयत बहुत खराब है। ठीक है भाभी चिंता मत कीजिए, मैं रामलाल को लेके आ गया हूं, अभी सब ठीक हो जाएगा। भाभी क्या हो गया? अभी टेंशन न ले रहा, मैं आ गया हूं, सब ठीक हो जाएगा। देख रामलाल को लेके आया हूं, अभी सब ठीक कर देगा ये। Thank you.
शुक्रिया सूरज भाई, अगर आप नहीं होते तो मुझे नहीं पता मैं क्या करती। भाभी शुक्रिया मेरा नहीं, शुक्रिया रामलाल का कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया रामलाल जी। अरे भाभी जी शुक्रिया हमारा नहीं, शुक्रिया ऊपर वाले का करिए। अगर ऊपर वाले की कृपा रही तो भैया जल्दी से ठीक हो जाएंगे। रामलाल जिस तरह से लक्ष्मण ने सबरी के झूठे बेर फेंक दिए थे और श्री राम प्रभु ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि वही झूठे बेर से बनी संजीवनी बूटी खाकर लक्ष्मण को फिर से जिंदा किया, और आज तुमने वही दिन मुझे याद दिला दिया मेरे दोस्त को ठीक करके। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे वो रामायण के दिन याद दिला दिए। बहुत बहुत शुक्रिया राम। भैया बना दिया आपको शाहरुख खान। अरे वाह क्या कटिंग किया हमारे प्यारे रामलाल ने। मैंने तो पहले ही कहा था सबसे बढ़िया हमारा रामलाल है।